हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो यहाँ मैं दाल बना रही हूँ, सोचा मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया ताकि दाल अच्छे से गल जाए। यहाँ मैंने ना हल्दी ना नमक कुछ भी ऐड नहीं किया, सिंपल दाल बॉईल होने के लिए रखी है। यहाँ मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रख दी है, जो कि चिकन दाल में बना रही हूँ उसमें ऐड कर दूँगी चिकन का रेशा करके। फिर यहाँ मैं दाल को घूटा लगा रही हूँ चम्मच से, सिंपल। मैं मशीन में नहीं पीसती, मुझे वो टेस्ट नहीं आता फिर दाल का, तो यहाँ मैं चम्मच से ही कर रही थी। और यहाँ फिर मैं हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, ये मैंने ऐड किया है। अब मैं यहाँ डालूँगी इसमें हल्दी पाउडर, और यहाँ है मेरे पास चिकन पाउडर। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है दाल में, तो इसलिए मैं ऐड करती हूँ हमेशा। यहाँ मैंने डाल दिया है, और अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छे से जी। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी दाल में। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और अच्छे से इसे पकने दूंगी। अब यहाँ मैं जो चिकन बॉईल की थी वो ऐड कर रही हूँ, चिकन का रेशा करके वो मैंने ऐड कर दी इसमें। अब एक साइड पे पैन में ऑयल गरम करूँगी, एक तरफ मेरे यहाँ पर चावल बन रहे थे, और अब जो पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था, अब इसमें मैं तड़का लगाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। हमें तो विखार कहते हैं, और आप लोगों में शायद जैसे कि सब कहते हैं तड़का, और हम मेमन हैं, हमें कहते हैं विखार। यहाँ लहसुन और साबुत गोल मिर्चें और ज़ीरा, ज़्यादा कच्चा मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। हस्बैंड का नाम ऐसे ही हस्बैंड का जिक्र करते ही मेरे फेस पे इतनी अच्छी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ मैं अब तड़का लगा रही हूँ दाल में, और यहाँ मेरी मज़ेदार सी दाल, चिकन दाल रेडी है। अब यहाँ मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। अच्छा लगता है मुझे गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, मैं हर चीज़ में ऐड करती हूँ। और ये चिकन दाल मेरी रेडी है, आप भी इस रेसिपी से बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी थी। मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद आती है ये दाल। जी, तो अब ये मैं दाल का आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ जी। अब मैं चलती हूँ मार्केट की तरफ, आपको भी साथ दिखाती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ मैं भी। ये मैंने अबाया बनने के लिए दिया था कुर्तुबा मार्केट में ऑर्डर पे, तो ये बन गया था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। अगर आप लोगों को भी यहाँ से बनवाना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में इस शॉप का एड्रेस। ठीक हो गया, अब मैं आपको अबाया घर ले आई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ करीब से, ये अबाया है, ये एम्ब्रॉयडरी बहुत हैवी है और इतने सस्ते में बनी है मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत सस्ता पड़ा है ये अबाया। और अगर मैं उनकी शॉप से ही कपड़ा लेती और उनसे ही बनवाती तो वो प्राइस ज़्यादा बता रहे थे। फिर जो अगर आप कहेंगे कि मैं आपसे शेयर करूं कितने में बना है और एड्रेस, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कमेंट करिएगा आप लोग, फिर मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में जी। तो ये मेरा अबाया है, देख लें आप इसकी फिनिशिंग जी। इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा घेर डला हुआ है बुरके में मेरे, और मुझे पसंद है इस तरह के अबाया, इसका फ्लेयर अच्छा होना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।